वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ज़रूर ठीक होंगे। तो चलो आइए दोस्तों, इस व्लॉग वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को एक गांव का बहुत ही अनोखा पेड़ दिखाने वाला हूं। आपने वाकई में ऐसा पेड़ नहीं देखा होगा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। और आपको उस पेड़ में सिर्फ फूल ही फूल नज़र आएंगे, आपको एक भी पत्ते नज़र नहीं आने वाले। तो आप लोग देखने के लिए उत्सुक हैं, चलो आइए मैं दोस्तों आप सभी को दिखाता हूँ। तो मैं अब कर रहा हूँ अपने कैमरे का जूम। तो आप लोगों को हल्का हल्का सा नज़र आने लग गया हुआ। तो देखिए ये है वो पेड़, और आप देखिएगा ज़रा नीचे से अच्छी तरह से देखना। और मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी कट नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। देखिए और करीब करके भी दिखा सकता हूं मैं आप सभी को, देख कितने प्यारे प्यारे फूल और मधुमक्खियां रस ले रही हैं बहुत ज़्यादा। ये भी दिखा सकता हूं आप लोगों को, और आप लोगों को दिख भी रहे होंगे शायद मधुमक्खियां रस लेते हुए फूलों का। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पेड़ है जिसमें आपको एक भी पत्ता नज़र नहीं आने वाला। जो मैं दोस्तों आप लोगों को फूलों का पेड़ दिखा रहा था, मैं उसके नीचे अब आ गया हूँ और ये उसके फूल फड़े हुए हैं। देखिए और आपको वहाँ भी पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये देखिए ये है वो पेड़। दोस्तों अगर आपके गांव में भी ऐसा पेड़ है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप शहर में रहते हैं तो शायद वहाँ नहीं होगा ये पेड़। और अब मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपने खेत में मटर बोई थी वो है अब उगाई है, और उसमें है वो आप देख सकते हैं मटर लग गई है। ये है जो मैंने मटर बोई थी, हम लोग इसे सब्जी में भी डाल के खाते हैं। एकदम ताजी है ये। तो बहुत सारी यहाँ पे लगी है। तो आप लोगों को और मैं ज़्यादा करीब से दिखाऊंगा, शायद आप लोगों ने पहले कभी देखी भी हो और नहीं देखी है कि मटर कैसे उगती है। तो मैं आप सभी को दिखा दूंगा। ये देखिए ये लग रही, इसमें ये सही से इसमें दाना है वो भर गया है, और हम इसे तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं तोड़ के। कच्ची खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, मीठी है, स्वादिष्ट है, सब्जी वाली मटर है। तो दोस्तों हम अब इसको यहीं छोड़ेंगे और कहीं चलते हैं, और कहीं चल के बात करते हैं। ये छोटी सी गाय है, गाय का बछड़ा है ये हमारा, शायद भूखा हो गया है इसलिए ये खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है।
और ये इसकी माँ यहाँ पे बंधी हुई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप सभी का पूरा वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों।